हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विशु। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मल्टीपल ब्लैंक रोज, यानी कि एक साथ कई सारी ब्लैंक रोज को अगर हमें सेलेक्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे। एक डेटा की मदद से समझते हैं। यहाँ पर ये डेटा हमने प्रिपेयर किया हुआ है। अब अगर हम ये चाहते हैं कि संडे के नीचे जो दो खाली सेल दिए हुए हैं यहाँ पर संडे अपने आप आ जाए, यानी कि कॉपी हो जाए, उसी तरीके से मंडे के नीचे यहाँ खाली जो सेल दिया है यहाँ पर मंडे कॉपी हो जाए, इसी तरीके से पूरे डेटा में हम कॉपी कर ले जो भी ऊपर दिया हुआ है। तो ऐसा करने के लिए हमें सबसे पहले पूरे डेटा को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये हमने पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद कंट्रोल के साथ जी बटन प्रेस कर दीजिए। तो ये देखिए गो टू ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने आ गया। यहाँ पर हमें स्पेशल पे जाना है, नीचे स्पेशल का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर हमें ब्लैंक्स सेलेक्ट करना है, ये रहा ब्लैंक्स। उसके बाद यहाँ से ओके बटन पे क्लिक करते ही आप देखेंगे जो भी खाली सेल है वो सेलेक्ट हो जाएगी। अभी हमें कहीं और क्लिक नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हमें कीबोर्ड में कंट्रोल बटन दबाना है। आप कोई भी एक ब्लैंक सेल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि संडे के नीचे वाली हमने सेलेक्ट कर ली, ठीक है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद इक्वल टू टाइप करिए, उसके बाद ऊपर वाली जो सेल है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हम कंट्रोल के साथ इंटर बटन दबाएंगे तो ये देखिए सारा कॉपी हो गया।